हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे वीडियो। सो आज के ना अभी जो है 2 घंटे का मैप ले लिया है, उसके बाद दोबारा से निकल चुके बाहर। और अभी कहना है थोड़ा नाश्ता वगैरह करते हैं, भूख लग रही है। और अभी हम जा रहे हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने। उससे पहले क्या थोड़ा कुछ खा लेते हैं, बिकॉज कल से क्या हमने ना दिन में खाया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं है। तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कराऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद आगे प्लान जो भी होगा शूटर आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे जो पराठे खाते हैं, और अभी जो टाइम हो रहा है 2:03। तो अभी जो है हमने खाना खा लिया, मतलब भूख लग रही थी इसलिए पराठे खा लिए, एक एक चाय हो गई है। और अब जा रहे थे प्रेमानंद महाराज जी कहाँ पे, बिकॉज का टाइम हो चुका है, उनका भी आने का टाइम होने वाला है। और जिस तरीके से वो रोड वगैरह सजा रखी होती है ना, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। अब चलते हैं सीधा। चल भाई, यहाँ पे जो है ना प्रेमानंद महाराज जी आने वाले हैं। सो पूरी यहाँ पे डेकोरेशन कर दी लोगों ने, ये फूल इतना पूरी रोड पे लगा दिए वहाँ से वहाँ तक। और ये सारे सेवादार हैं यहाँ की अरेंजमेंट्स वगैरह करने के लिए, ताकि लोग अगर रोड पे ना आए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको फूल वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, आप लेके और रोड पे डाल सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार। और बाकी महाराज जी भी जो है इस रूट से आने वाले हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:39। सो अभी जो भाई महाराज जी का आने का टाइम हो गया, जो पुलिस की वैन वगैरह आ रही है, अब दिखाता हूँ आपको सामने से। वही महाराज जी जो है आ चुके हैं, ये चल रही है गाड़ी यहाँ पुलिस वाली, और पीछे हैं जो महाराज जी। अभी जो फ्लैश ऑफ कर लेता हूँ मैं। राधे राधे, राधे राधे, जैसा कि अभी देखा आपने कि महाराज जी के हमने दर्शन कर लिए हैं, और जो पूरी रोडों को ना फूलों से सजा दिया जाता है, मतलब जो श्रद्धालु होते हैं वही फूल रोडों को फूल से सजा देते हैं। और महाराज जी का ये कहना होता है कि ना कि तुम मुझे पीछे ना फॉलो मत करना, मतलब मेरे पीछे मत आ करना, बट फिर भी काफ़ी लोग जाते हैं तो ये चीज़ गलत है, तो हम लोग तो नहीं गए। बाकी आपको कल भी दर्शन कराऊंगा फिर से, क्योंकि कल मैं दोबारा से आने वाला हूँ, लेकिन आज भी जो पूरे अच्छे तरीके से दर्शन हो गए थे महाराज जी के। तो अभी क्या अगला प्लान ये है हमारा, कि अभी इसके बाद जाना है हमें इस्कॉन टेम्पल, और लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान है हमारा वो ये है कि हमें इस्कॉन टेम्पल जाना है सीधा। आई थिंक 4 बजे वहाँ के ओपन हो जाता है, और कुछ इस तरीके से ना पूरी रोडें सजा दी जाती हैं, ये जैसे देख रहे हो आप।
अभी आ चुके हैं हम इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल की एंट्री 4 बजे स्टार्ट होती है। तो ये कुछ इस तरीके से, अभी सीधा चलता हूँ आपको लेकर अंदर इस्कॉन टेम्पल के अंदर। तो भाई लोग अभी क्या है ना, इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करके आ चुका हूँ। अंदर जो आरती चलती थी जैसे कि आपने देखा ही होगा, तो अब मैं वापस आ चुका हूँ बाहर। और अब देखते हैं कि अब कहाँ जाते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है, एक बार टाइम दिखा देता हूँ आपको। अभी टाइम हो रहा है 4:25। तो भाई लोग मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि जब मैं वृंदावन आया 3-4 दिन के लिए, तो 2 दिन में 2 बार दर्शन मिल गए प्रेमानंद महाराज जी के। तो आज सेकेंड डे जो मैं दर्शन करने आया हूँ रात को, और जैसे वो अभी अपने आश्रम से निकले हैं यहाँ से। सो भाई लोग, ये देखो सामने से महाराज जी आ चुके हैं। महाराज जी आने से पहले ना 5-10 मिनट पहले रोड बंद कर दिए जाते हैं पूरे। ये देख लो कितनी संगत है यहाँ पे, कितनी भीड़ लग रही है। आदेश होता है कि कोई भी ना उनके पीछे ना आए, इसलिए सारे लोग लगे हुए इनके जो गार्ड्स वगैरह हैं, कि ताकि लोग इनके पीछा ना करें। जी की जो एंट्री होती है ना, 2:20 होती है यहाँ से। श्री कृष्णा सर नाम जो लिखा हुआ है, यहीं से महाराज जी ने एंट्री ली थी आज।